about connective tissue. So what is connective tissue? It is the tissue which is, you know, connecting and binding the other tissues in the body. So this is connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू अब वॉट इज इट मेड अप ऑफ, है ना, उसमें कनेक्टिव टिश्यू हम इसको कह रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या है? यू विल हैव इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यू विल हैव सेल्स एंड यू विल हैव फाइबर्स. ठीक है, जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो उसके अंदर हमारे कोलेजन, उसके अंदर फाइबर्स पड़े हैं और उसी में ही सेल्स पड़े हैं. अब जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो आपका किस किस चीज से बना हुआ है? वी इट इज मेड अप ऑफ, यू नो, ग्लूकोस अमीनो ग्लाइकन्स का बना है, प्रोटियोग्लाइकन्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना, एंड देन देर आर यू हैव योर हाइड्रोनिक एसिड, ये सब आपका मैट्रिक्स बना रहा होता है, ठीक है ना. सो मैट्रिक्स आपका गैग्स बनाएगा और प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं, ठीक है. देन नाउ आई टॉक अबाउट दी सेल्स, ठीक है, जो उसमें डिस्पर्स होते हैं. तो सेल्स में देर आर, यू नो, देर आर सम फिक्स्ड सेल्स या सम वॉन्डरिंग सेल्स, ठीक है. सेल्स आर लाइक फाइब्रोब्लास्ट हैं, एडिपोस सेल्स हैं, ठीक है. यू हैव मेसेनकाइमल सेल्स, लिम्फोसाइट्स, देन यू हैव न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस. सो दीज आर ऑल द सेल्स विच आर एम्बेडेड इन दिस मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स में पड़े होते हैं, ठीक है. देन अब मैट्रिक्स में यू हैव फाइबर्स ऑल्सो, ठीक है. वी हैव कोलेजन फाइबर्स, ठीक है. Then we have elastic fibers and the third one is the reticular fibers. Okay, so this how the connective tissue is formed of. It has cells, it has matrix, and it has fibers. Okay, and this how we classify it also. Up if I talk about the cells, a histological point of view, the important cells which you should know is fibroblasts. Okay, they are spindle-shaped cells with centrally placed nucleus. Okay. And then they will help in formation of your collagen fibers. Okay. Then you have adipose cells. Adipose cells kaise honge? You have the cell is round in shape and nucleus is pushed towards the periphery. Periphery pe nucleus hota hai because the fat globule fat pada hota hai, to wo usko push kar deta hai. So the nucleus is towards the periphery. ठीक है. एंड देन न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, मास्ट सेल्स, ठीक है. ये जो सारे सेल्स हैं, दिस इज डेल्ट इन फिजियोलॉजी. जैसे न्यूट्रोफिल्स विल बी बायलोब्ड, ठीक है ना. देन ईसनोफिल्स विल हैव मोर देन टू लोब्स, ठीक है. सो दिस हाउ वी आर डिवाइडिंग दी, दिस हाउ दी सेल्स आर प्रेजेंट इन दी कनेक्टिव टिश्यू. Then I talk about the fibers. As we talked, as I told you, you have elastic fibers, collagen fibers, and reticular fibers. Firstly, जो reticular fibers हैं, उन्होंने क्या करना है? वो आपके those fibers, they are little thin, they are very thin fibers, they branch and they anastomose, ठीक है ना, और ये stain नहीं होंगे hematoxin or eosin से, ठीक है. We use special stain to stain these reticular fibers, ठीक है. सो दीज टाइप ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन स्प्लीन में है, लिवर में है, ठीक है ना. सो दीज टाइप ऑफ फाइबर्स विल बी सीइंग इन दिस टिश्यू. देन यू हैव इलास्टिक फाइबर्स. इलास्टिक फाइबर्स इज नाइसली सीन इन योर हेमाटोक्सिन एंड योसिन, ठीक है. देन दीज फाइबर्स आर वंस यू सी दीज फाइबर्स, दे आर वेरी ब्राइट एंड दे लुक वेरी पिंक ऑन माइक्रोस्कोप, ठीक है. दे आर वेवी, दे हैव प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन, ठीक है. And then they branch also, ठीक है, उनकी branching भी होती है. So this ligamentum nuque is the example of your elastic fibers. Now we talk about the collagen fibers. Collagen fibers, once we will be seeing it, collagen fibers are little dull pink in color on hematoxin and eosin. जो इसमें protein है, collagen है, ठीक है. These fibers they are wavy, but they do not branch. ठीक है, these collagen fibers they are found in bundles. तो ये इनका example हो जाएगा. In our body we can see these type of fibers in tendon, ligaments. ठीक है, इस तरीके से we classify them. Then according to the, you know, how densely the fibers are arranged, so we can, you know, classify it further. You have connective tissue, एक आपका loose type का होता है और एक dense type of connective tissue होता है, ठीक है. अब डेंस कहाँ पे होगा? जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स आर कम्पैक्टली अरेंज, लाइक इन टेंडन. जब आप टेंडन की स्लाइड देखोगे, ठीक है ना, या लिगामेंट की स्लाइड देखोगे एपिनोरोसिस में, सो यहाँ पे आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है, ठीक है. और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज सीन इन योर एरियोलर टिश्यू या एडिपोज टिश्यू. जहाँ पे एडिपोज सेल्स पड़े होंगे, वहाँ पे भी जो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज वेरी स्पार्स, ठीक है. एंड यू हैव रेटिकुलर टिश्यू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर लूज कनेक्टिव टिश्यू. थैंक यू.